ताली बजाएंगे सर जी के लिए। सब माताओं को प्रणाम। मेरी माता जी शिक्षिका हैं, तो वो बहुत सारे लोगों को पढ़ाती हैं, और मेरे पिताजी भी शिक्षक हैं, तो उनके माध्यम से मुझे बहुत सारे विद्यार्थी पढ़े। जब वो बचपन में घर में पढ़ाती थी और वो विद्यालय में पढ़ाती थी, तो एक अंतर होता था। विद्यालय में पढ़ाते वक्त तुमको एक सिलेबस, एक किताब कंप्लीट करनी होती थी ऐसे शिक्षिका, और घर में पढ़ाते वक्त वो जीवन की बातें बताती थी। तो बचपन में जब घर में अपनी माँ से पढ़ते थे, माँ बताती थी ऐसा करो या ऐसा करो, तो माँ एक बात जरूर कहती थी कि ये सारा काम जो सीख रहे हो, ये इसलिए सीख रहे हो कि तुम अपने जीवन में किसी को सिखा सको, कुछ चीजें ऐसी कर सको जो सीख सके। आज उन माँ से मैं सीखा, और आज कई हजारों माओं से मैं पिछले दो तीन दिन से सीख रहा हूँ, जिन्होंने यहाँ पे इस कदर से, इस तरह से अपने गांव का निर्माण किया। आज हम सारे लोग देश के अलग अलग हिस्सों से आप सब माताओं से सीखने आए हैं, आपके गांव के कार्य को सीखने आए हैं, आपसे अपने जीवन की बातें सीखने आए हैं, अपने जीवन की समझ लेने आए हैं। हम एक माँ को जानते थे, कुलभूषण भाई यादव जी को, हमारी दीदी बोलते हैं हम, और कुलभूषण दीदी की बातें सुनी थी, गांव में कैसा कार्य सुना था। बड़ा अचंभित करने वाला लगता है ये सब, कि इतनी महिलाएं साथ में आएंगी, इतना सारे जगहों पे, हर जगह एकदम समय के साथ लेखन जोखन करके अपने बचतगढ़ चलाएंगी। लगता था ये सपने में हो रहा है, इतनी सारे बचतगढ़ अपने आप चलेंगे। बट आप सब माताओं की शक्ति है कि ये सारा कुछ चल पाया और ये गांव एक साथ आ पाया। देश में कई जगहों पर घूमना हुआ है, जाना हुआ है, मिलना हुआ है, हर बैठक में हमने देखा है पुरुषों की संख्या महिलाओं से कहीं ज्यादा होती है। आप सब माताओं को यहाँ साथ देखकर, एक साथ एकजुट देखकर, गांव के लिए एक साथ काम करते देखकर बहुत खुशी हो रही है। आप सब माताओं को हम सब की तरफ से प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुमार।